देश भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इसकी रोकथाम को लेकर हर दिन नई दवाई सामने आ रही है। वहीं आज WHO की ओर से एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को कोरोना की दवाइयों की लिस्ट में से बाहर कर दिया गया है। जी हां, उन्होंने कहा कि इस दवाई को कोरोना रोगियों को ट्रीट करने के लिए हरगिज नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। WHO ने कहा कि उसने गिलीड साइंसेस के एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर को अपनी प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट से सस्पेंड कर दिया गया है, जिसे COVID-19 की दवा बताया जा रहा था। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह लिस्ट विकासशील देशों द्वारा खरीद के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली दवाओं की एक आधिकारिक सूची है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को ईमेल से भेजे गए जवाब में WHO के प्रवक्ता तारिक ने कहा कि हाँ, हमने रेमडेसिविर को प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट से सस्पेंड कर दिया गया है। यह निलंबन उन देशों के लिए एक संकेत है कि इलाज के दिशा निर्देशों के अनुसार WHO देशों को कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा खरीदने की सलाह नहीं देता। इससे पहले शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी थी कि एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड रोगियों के इलाज के लिए नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह कितने भी बीमार क्यों ना हो, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है कि यह वायरस से लड़ने में काम करता है। बीते दिनों कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भारत में रेमडेसिविर की मांग तेजी से बढ़ गई थी।